एमजेपी आरयू यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, जो कि 206 एकड़ में फैला है, जिससे बरेली डिस्ट्रिक्ट के अलावा बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, संभल, शाहजहाँपुर, जेपी नगर यानी टोटल 9 जिलों के 563 कॉलेज एफिलेटेड हैं, जिनमें एमजेपी आरयू की ऑफिशियल वेबसाइट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार लगभग 556,543 छात्र इस समय यहां स्टडी कर रहे हैं। इन 9 जिलों में पढ़ने वाला छात्र की यह इच्छा जरूर होती है कि वह इस यूनिवर्सिटी को एक बार ज़रूर देखे, एवं यूपी या जो भी पढ़ने वाला छात्र है एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहेगा। इस कॉलेज में साइंस, आर्ट, कॉमर्स, लॉ, फार्मेसी जैसे टोटल 13 स्ट्रीम की स्टडी कराई जाती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम पूरे कॉलेज का टूर करेंगे और देखेंगे कॉलेज में कैसे स्टडी होती है, कहां पर सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर बड़ी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल और कैफेटेरिया ज़रूर होते हैं, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पर पर्सनल बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंडोर स्टेडियम, गेम्स एंड स्पोर्ट, हेल्थ केयर सेंटर, गर्ल्स कॉमन रूम, प्लेस ऑफ वर्शिप यानी जिसे पूजा करने का मन हो उसके लिए वर्शिप प्लेस भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर पंचाल म्यूजियम बना हुआ है, बस सर्विसेज पूरे कॉलेज में घूमने के लिए है, गेस्ट हाउस भी है, काउंसलिंग एरिया भी है। तो सारा इस वीडियो में डिटेल से देखते हैं। तो जब हम एमजेपी यूनिवर्सिटी में इंटर करते हैं तो सामने से कुछ है दिखती है, और यहाँ पर है यूनिवर्सिटी के खुद के ही डाकघर और बैंक बनी हुई हैं। तो चलिए अब आगे पूरी यूनिवर्सिटी देखते हैं। सब कुछ दिया जा रहा है, तो इसमें भी यहाँ पर है इंडो ईरानियन स्टडी सेंटर बना हुआ है। तो और यहाँ पर है कॉलेज की कैंटीन बनी हुई है। और यहाँ पर अप्लाइड इंग्लिश डिपार्टमेंट, एंशेंट हिस्ट्री एंड कल्चर, अप्लाइड रीजनल इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट यहाँ पर है, देख सकते हैं बना हुआ है। यहाँ पर है इंग्लिश और हिस्ट्री अर्थशास्त्र का डिपार्टमेंट है, सारी बिल्डिंग का डिपार्टमेंट बना हुआ है। इधर होटल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेंटर भी हैं। यहाँ पर आगे पांचाल मुस्लिम ऑडिटोरियम एंड लॉ डिपार्टमेंट, ये आगे सारे बने हुए हैं। और यहाँ पर जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं उनका डिपार्टमेंट यहाँ पर यह बना हुआ है, इधर आप देख सकते हैं वहाँ तक पूरा ये लॉ का डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें प्लांट साइंस डिपार्टमेंट, एनिमल साइंस डिपार्टमेंट, एनिमल हाउस एंड बर्मी कल्चर डिपार्टमेंट ये सारे बने हुए हैं। और यहाँ पर है एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी बरेली का फार्मेसी डिपार्टमेंट है। तो चलिए फार्मेसी डिपार्टमेंट में चलते हैं। यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या मैथ से बीएससी एमएससी करने वालों का डिपार्टमेंट इधर है, और इधर है फार्मेसी डिपार्टमेंट है। और फार्मेसी डिपार्टमेंट में इंटर करते ही फार्मासिस्ट ओथ यानी फार्मासिस्ट की जो शपथ होती है वह लिखी है, और सामने ही हमें ड्रग्स मेन रखी हुई दिखाई दे जाती हैं, ड्रग्स का म्यूजियम बना हुआ है।
यहाँ पर जो मेन दवाइयाँ होती हैं वह लिखी हुई हैं, पेरेंट्रल सिरप, कैप्सूल, ओरल ड्रॉप, आई एयर ड्रॉप, सेमी सॉलिड, सर्जिकल प्रोडक्ट, एरोसॉल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाइक क्रीम, और इधर ये पाउडर सपोजिट्रीज रखी हुई हैं, सपोजिट्रीज यानी मेहंदी वगैरह जो हम यूज करते हैं। यहाँ पर है एम फार्मा फार्माकोलॉजी की क्लास, यहाँ पर देख सकते हैं लगी हुई है। और यहाँ पर है बी फार्मा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की क्लास ये लगी हुई है। यहाँ इस टाइप की यहाँ पर क्लासें लगती हैं। मुझे रूम बंद कर दो। तो दोस्तों यही सारा MJP यूनिवर्सिटी का बी फार्मा और एम फार्मा का डिपार्टमेंट है, यहीं पर सारी क्लासें लगती हैं। यहाँ पर है फार्माकोलॉजी की लैब है, और अभी कॉलेज तो ऑफ हो गया, इस वजह से लॉक लगी हुई है सारे क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ MJPRU यूनिवर्सिटी बरेली के बॉटनिकल गार्डन में। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमें नॉर्मली कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत सारी दवाइयों के प्लांट और ऐसे भी प्लांट हैं जो इंडिया में कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं, विदेशों से लाकर लगाए गए हैं। तो चलिए इस प्लांट पूरे गार्डन में घूमते हैं और प्लांट को देखते हैं। और यहाँ पर है पुरुष छात्रावास, केंद्रीय प्रयोगशाला और परीक्षा भवन, यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में बने हुए हैं। यहाँ पर है लेबोरेटरी एनिमल हाउस बना हुआ है, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले एनिमल होते हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। पर है माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, सामने आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर है पांचाल प्रेक्षागृह, पता नहीं क्या यह बना हुआ है। और ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट बने हुए यहाँ पर, काफ़ी लंबी सड़क है और आगे चलते हैं। और यहाँ पर है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट इधर ही बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर है MJP यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं पूरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आकर कोई भी बुक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पुस्तकालय में आने के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट केवल एंट्री करनी होती है, अपन नाम इस डायरी में नोट करके आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, पूरी लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तकें अपने सिलेबस से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, ऊपर भी बनी हुई है। चलिए ऊपर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है MJPRU यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय, आप देख सकते हैं सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग रूम बने हुए हैं। यहाँ पर आकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन फ्लैग लगा हुआ कितना बड़ा। और दोस्तों यहाँ पर है MJP यूनिवर्सिटी के ही अंदर खुद का स्पोर्ट स्टेडियम बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस करने वालों के लिए रेसिंग का मैदान इतना बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का स्टेडियम बना हुआ है और इधर जिम भी है, यहाँ पर सिर्फ जिम के ही चार्ज जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर जिम भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो यहाँ पर सारे लोग आ जाएंगे, इस वजह से जिम का चार्ज जाता है केवल, और सारी चीज़ें यहाँ पर रेस लगा सकते हैं
फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा यहाँ के स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पर एक CS एंड IT यानी कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।